बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूट इंडिया के स्टॉक के बारे में। डिस्ट्रीब्यूट इंडिया के स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे स्टॉक की बात करें हम देखेंगे जो ये स्टॉक है इसका लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है ये लगातार डाउन ट्रेंड है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लोअर पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हमको यहाँ पर स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हमारे स्टॉक में बात करें अगर स्टॉक में यहाँ से जो तेज़ी है ये कंटिन्यू रहती है तो अब 18.80 का जो लेवल है ये ऐसा नेक्स्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो हमको स्टॉक में 22, अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा तो हमको 24, इसके बाद हमको स्टॉक में 30 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 16.90 का जो लेवल है ये ऐसा सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो 15.85, अब इसके बाद हमारे पास स्टॉक में 14.85 तक के लेवल्स स्टॉक में फिर ऐसा नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो कोई बाय सेल होल्डिंग के साथ नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।